होगा और उन्हीं के द्वारा उठा करके उसको अमृत कुंड में डाल देते थे, फिर जी जाए। और वो पुर कैसे थे, बड़े बले विलक्षण, उसको किसी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। और वो आकाश में घूमते रहते थे। जब तक तीनों पुर अलग अलग रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन वर्ष में एक बार, एक निश्चित मुहूर्त में वो तीनों पुर आपस में सटते थे। और जब तीनों पुर आपस में सटते थे तो उसमें लगे हुए जितने यंत्र थे सब शांत हो जाते थे और ऊर्जा का आदान प्रदान करते थे। उतने मुहूर्त में अगर कोई मार दे तो वो त्रिपुर नष्ट होगा, और तीनों अलग हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उसे समाप्त नहीं कर सकती। उतने मुहूर्त में ही उसको मारना था। भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सबने मिलकर तैयारी की कि तीनों पुर जब एक तरफ एकत्रित हों तब इन्हें मारा जाए। जब भगवान शंकर ने, त्रिपुरारी ने अपने पिनाक पर बाण चढ़ाया, मारने चले, तब तक गणेश जी ने विघ्न कर दिया। देखो, गणेश जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी है। पूजा कर दो तो विघ्न हरता है, और पूजा न करो तो विघ्न करता है। गणेश जी की पूजा नहीं की भगवान शंकर ने, गणेश जी ने विघ्न कर दिया। कैसा विघ्न किया? बोले विघ्न दिखाई नहीं पड़ता, वो किस रूप में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा पता नहीं चलता। विघ्न क्या हुआ कि ज्यों ही भगवान शंकर बाण को खींचे और जब छोड़ने चले तब तक अंगूठे में खाज होने लग जाए, और खाज हो थोड़ा सा अंगूठा ऐसे हिला तब तक बाण की दिशा बदल गई। एक बाण व्यर्थ हो गया, भगवान शंकर को पसीना आ गया, एक बाण व्यर्थ चला गया। और तीन बाण थे, उसी तीन बाण में से ही त्रिपुर को मारना था, एक बाण व्यर्थ हो गया। फिर हिम्मत बांध करके भगवान शंकर ने दूसरे बाण को चढ़ाया, और फिर जब त्रिपुर को मारने चले तब तक फिर गणेश जी ने विघ्न कर दिया, दूसरा बाण भी व्यर्थ चला। भगवान शिव को पसीना छूट गया, अब मुहूर्त बीतने वाला है। अगर ये तीसरा बाण भी व्यर्थ चला गया तो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा और त्रिपुर का विनाश नहीं होगा। ये विघ्न कहां से हो रहा है? गणेश जी ने देखा, विचार किया गणेश जी ने, भगवान शंकर ने विचार किया, मेरा बेटा जो गणेश है वही विघ्न कर रहा है, अब पूजा करने का समय नहीं, इतने जल्दी कहां मैं पूजा करूं। पार्वती जी को बुलाया और कहा, देवी जल्दी से गणेश की पूजा कर दो। क्यों? बोले अर्धांगिनी पूजा करेगी तो आधा पुण्य तो पति को प्राप्त ही हो जाए। भगवान ने पार्वती से कहा, गणपति की पूजा कर दो। गणेश जी कहीं खेल रहे थे। मां पार्वती ने कहा, हे रंब। गणेश जी ने कहा, किमंब। बोले याद, इधर आओ, आओ जल्दी आओ। गणेश जी आए, बैठाया और फट से तिलक लगाया मस्तक पर, और एक बड़ा सा लड्डू गणेश जी की सूंड में रखा। गणेश जी ने उठाया और अपने अंदर मुख में लिया, और गणेश जी ने अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाया, सारे विघ्न भाग गए। और भगवान शंकर ने तीसरे बाण को छोड़ा तो त्रिपुर में जाकर के लगा धड़ाम की ध्वनि हुई और त्रिपुर का विनाश हो गया। भगवान त्रिपुरारी हुए। क्यों? बोले वो मुहूर्त था, मुहूर्त का ये बल है, उस मुहूर्त में ही वो कार्य होगा, तभी सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्रृंगी महर्षि आए, ततक काले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राग्ये यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु आई, यही बसंत ऋतु जो अभी चल रही है। बसंत ऋतु आई, सुंदर मुहूर्त आया, और श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया। अयोध्या से उत्तर सरजू जी के उस पार, मनोरमा नदी के इस पार, सरयू और मनोरमा दोनों नदियों के मध्य का भूभाग अश्वमेध यज्ञ के लिए चयनित किया गया। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ, दिव्य यज्ञ मंडप बनकर के तैयार हो गया।
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूजा करके छोड़ा गया, अश्व विचरण के लिए निकला और एक वर्ष तक वो अश्व भ्रमण करता रहा। कल मैंने कथा में निवेदन किया था कि अश्वमेध यज्ञ एक वर्ष में पूर्ण होता है। एक वर्ष में वो घोड़ा घूम करके जब आया तो पुनः बसंत ऋतु आ गई, पुनः प्राप्ते बसंते तु। पुनः बसंत ऋतु जब आई, पूर्ण संवत्सरो भवत, एक संवत्सर पूर्ण हो गया। प्रसवार्थम गतो यष्टुम हयमेधे न वीर्यमान। अब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति की तैयारी प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग आए, अतिथिगण आए। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा, खजाना खोल दो, कोई भी खाली हाथ न जाए और कर्तव्य समझ करके दान करो। दातव्यम अन्नम विधिवत, सबको विधि पूर्वक अन्न का दान करो। सत्कृत्य न तु लीलया। दशरथ जी ने कहा, जो लोग आवे उनको दान करो, खिलाओ, लेकिन किस प्रकार से? सत्कृत्य न तु लीलया, सत्कार पूर्वक, लीला पूर्वक नहीं। दान देना चाहिए लेकिन दान देते समय सावधान रहना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं उसको अगर हम छोटा समझें, दीन समझें, अपने को हम धनी मानी समझकर अभिमान से युक्त होकर के अगर दान कर रहे हैं तो वो दान व्यर्थ हो जाता है। सत्कार पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक अगर कोई दान ले रहा है तो आप अपना सौभाग्य समझो कि ये मेरा दान स्वीकार कर रहा है। अपना कृतज्ञता, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। ये अहंकार नहीं कि मैंने दिया। एक श्लोक हमारे पूज्य तोताद्री मठ के स्वामी जी महाराज 2 वर्ष पहले सुनाए थे दास को, कि सतयुग में कैसे दान करते थे लोग, त्रेता में कैसे करते थे, द्वापर में और कलयुग में कैसे। तीनों युग में दान की अलग अलग पद्धति। स्वामी जी का ही बताया हुआ श्लोक कि सतयुग में लोग जा करके दान करते थे, दान लेने वाला किसी के दरवाजे नहीं जाता। सतयुग में लोग जाते थे और जब देते थे तो अगर वो स्वीकार कर लें तो देने वाले अपने को धन्य समझते थे। और त्रेता युग आया तो त्रेता आहूय दीयते, त्रेता में बुला करके लोग दान देने लगे। दान की महत्ता घट गई, अहंकार आ गया, लोगों में अभिमान आ गया, तो त्रेता में जा करके दान नहीं देते, बुला करके कोई आवे तो आदरपूर्वक बुला करके अपने घरों से दान देते। द्वापर युग आया तब ले द्वापर में मांगने पर दान मिलने लगा। अपने से देना नहीं है, जाकर के देना नहीं है, बुलाना नहीं है, मांगे सामने वाला तब दान लोग देने लगे। और कलयुग बोले, कलयुग में तो मांगने पे नहीं देने वाले। बोले तब, बोले कलयुग में तो सेवा पर दान होने लगा। अब दान नहीं होता, सेवा के बदले में लोग देते हैं। आएंगे मठ मंदिर में, आश्रम में, देखेंगे बढ़िया व्यवस्था मिली, लैट्रिन बाथरूम अटैच, एसी रूम दिया गया, सेवा भाई खूब मालपुआ और रसगुल्ला उनको छनाओ, तब जाते समय कुछ दे करके जाएंगे, बड़ी अच्छी सेवा भाई। तो सेवा के बदले में दान। श्लोक तो हमको याद नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी ने ही सुनाया था स्वामी जी के मुख से। और स्वामी जी बताते थे कि श्री उद्धव स्वामी जी ने वो श्लोक शायद श्रीमान जी को सुनाया था। महापुरुषों से कितनी कितनी बातें जीवन में प्राप्त होती हैं बंधुओं। तो दान तो त्रेता आहू यदि यते द्वापरे याच मानस्तु कलौ सेवया दीयते कलौ। कलयुग में सेवा करने पर लोग दान देते। तो दान की उत्तम पद्धति है कि श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक दिया जाए। दशरथ जी ने कहा कि दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया, सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः, सबका सत्कार हो और सबको दान मिले, सब प्रसन्न हो। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या, और किसी की अवज्ञा न हो।
ऐसी वाणी का प्रयोग न हो कि किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी अतिथि को लगे कि हमारी अवज्ञा हो गई। काम क्रोध वशादपि, काम क्रोध आने पर भी किसी की अवज्ञा न करना। अपने सेवकों को सावधान कर दिया। क्यों? बोले सेवक अगर अपराध करेगा तो वो अपराध स्वामी का अपराध माना जाएगा। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड निश्चयते, दंड मरहति। भृत्य के अपराध करने पर स्वामी ही दंड का पात्र बनता है। इसलिए दशरथ जी महाराज ने अपने सेवकों को सावधान कर दिया। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा, यज्ञ कर्म में लगे हुए जो शिल्पी कलाकार सेवक गुणी जन थे, सबको सावधान कर दिया कि दान विधि पूर्वक हो, सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, किसी का अपमान न हो। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्व घूम करके आया, बड़े बड़े यज्ञ यूप मंडप में गाड़े गए। प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षट् बैल्वाः खादिरस्तथा, छे यूप बिल्व वृक्ष के, खादिर वृक्ष के, अनेक प्रकार के वृक्षों के द्वारा निर्मित यज्ञ यूप का निर्माण हुआ। उन यज्ञ यूपों में यज्ञ पशुओं का नियोजन हुआ। वैदिक विधि से उन यज्ञ पशुओं का प्रोक्षणादि संस्कार संपन्न हुआ और देवताओं के लिए द्रव्य रूप उन पशुओं का त्याग हुआ। देवता के उद्देश्य से मंत्र पूर्वक द्रव्य का त्याग ही यज्ञ है, जो महर्षि कात्यायन ने अपने सूत्र में परिभाषित किया है। द्रव्य का देवता के निमित्त मंत्रोच्चार पूर्वक त्याग, यही यज्ञ है। और यज्ञीय द्रव्य के अंतर्गत अन्न, सोम, घृत, पशु, पुरुष, ये सब यज्ञ पदार्थ ही यज्ञ द्रव्य है। पुरुष भी यज्ञ का द्रव्य है, इसीलिए पुरुष सूक्त में कहा गया जत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन। पुरुष मेध में पुरुष को ही यज्ञ पदार्थ बना करके यज्ञ पुरुष परमात्मा का यजन किया गया। और जब उस पुरुष का विशेषण हुआ तो कतिधा व्यकल्पयन, उसके कितने विभाग हुए, क्या क्या किया, उसके अंगों से क्या क्या उत्पन्न हुआ, तो वेदों ने कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। उस विराट पुरुष परमात्मा के मुख भाग से ब्राह्मण, भुज भाग से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य और चरण के भाग से शूद्रादि की उत्पत्ति, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति। गावो हजत निरे तस्मात तस्मात जाता अजावयः, गाय बकरी पशु पक्षी अश्व सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए यज्ञ के द्वारा। तो बंधुओं, यज्ञ में उन पशुओं का नियोजन हुआ और अश्व जब लौट करके आया तो उस अश्व का भी यूप में नियोजन हुआ। उस अश्व की बपा को निकाल करके अश्वमेध यज्ञ का प्रधान कर्म संपन्न किया गया। जब बपा का याग हुआ, अश्व की बपा का आहवनीय कुंड में उत्तर वेदी पर होम किया गया। अध्वर्यु श्रृंगी महर्षि ही थे। श्रृंगी महर्षि ने जब होम किया तो उस बपा के जलने पर जो गंध निकली, धूम गंधम बपायास्तु, अश्व की बपा के जलने पर जो धूम गंध प्रकट हुआ, जिघ्रतिस्म नराधिपः, नराधिप चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने उस गंध का घ्राण किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बपा का होम होने पर उसकी जो सुगंधि होती है, यजमान उसे अपनी नासिका से ग्रहण करता है, यही यज्ञ का प्रसाद होता है, यज्ञ की यही पूर्णता होती। कांची में श्री वरदराज भगवान जो विराजमान हैं, जो कांची गए होंगे, दक्षिण में विष्णु कांची, कांची में वरदराज भगवान का जो मंदिर है वरदराज पेरुमाल, वरदराज भगवान बड़ी वेदी के ऊपर विराजमान है। मंदिर में सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। वो वेदी क्या है? ब्रह्मा जी ने
वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया था और ब्रह्मा जी के अश्वमेध यज्ञ की उत्तर वेदी पर भगवान प्रकट हुए थे, वही वरदराज भगवान है। धातुर उत्तर वेद्याम तो प्रादुरासी जनार्दन प्रातः सवन काल के, प्रातः सवन काल में जब ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ में बपा का होम किया तो भगवान उस वेदिका पर प्रकट हो गए और उस यज्ञ की बपा के सुगंधी से कांची वरदराज भगवान का जो मुख था वो मुख सुबासित हो गया। बपा परिमलोल्लास वासिताधर पल्लवम मुखम वरदराजस्य मुग्धस्मित मुपास्महे। तो अश्वमेध यज्ञ के बपा की गंध अति महत्वपूर्ण मानी गई है। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने पर श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का, संपूर्ण राज्य का ब्राह्मणों को दान कर दिया। अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः। पूर्व दिशा का संपूर्ण राज्य होता को दे दिया और पश्चिम दिशा का संपूर्ण राज्य अध्वर्यु को दे दिया, दक्षिण दिशा का संपूर्ण साम्राज्य ब्रह्मा को दे दिया और उत्तर दिशा का संपूर्ण साम्राज्य सामवेद के ऋत्विज उत्काता को दे दिया। संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया दशरथ जी, सब कुछ दे दिया, ब्राह्मणों ने ले लिया। कितनी सुंदर परिपाटी थी महाराज, स्वामी जी का मंगला शासन आंशिक प्राप्त हो गया हम लोगों को। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। बोलो श्री सीता राम चंद्र भगवान की, सीता राम जय सीता राम, 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 सीता राम जय सीता राम। उतना ही ब्राह्मणों के अंदर त्याग दे, सभी महापुरुष पधार रहे हैं, इनका बहुमान सम्मान माल्यार्पण के द्वारा, और हमारे सियापिया निवास के पूज्य महंत जी महाराज, कामता शरण जी महाराज, जय हो सरकार। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे
हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Bolo Shri Sita Ramachandra Bhagavan Ki Jai Jai Sita Ram Bandhuo Bhagavan Ki Mangalmayi Kripa Ke Phala Swaroop Santon Ka Divya Darshan बैठे बैठे आप लोगों को हो रहा है, नहीं तो अयोध्या में जा जा करके आश्रम में आप दर्शन करो बड़ा कठिन है, क्योंकि इस समय तो सब आश्रमों में भगवान का जन्म महोत्सव पधारो महाराज, अनेक उत्सव चल रहे हैं, जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना करहिं राम कर कीरति गाना, तो आज तो अयोध्या में इस समय अवध में आनंद लूटो गली गली, इस समय तो आनंद बरस रहा है महाराज, अयोध्या में गली गली में आनंद लुट रहा है, और इस समय सभी संत महात्मा अपने अपने ठाकुर का उत्सव करने में अपने ठाकुर को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। पीतवासा चतुर्भुजः पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सब ने कहा कि प्रभो लोक के कल्याण के लिए रावण के वध के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान ने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। भगवान ने कहा भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग करो और मैं बस अभी इसी यज्ञ के माध्यम से दशरथ जी का पुत्र बनने जा रहा हूँ, इनको मैं पिता बनाऊंगा, चार रूपों में अवतरित होकर के रावण के आतंक को समाप्त करूंगा। पृथ्वी भी भगवान की प्रार्थना कर रही थी, पृथ्वी भी कांप रही थी थर थर थर, क्योंकि रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, तो पृथ्वी कांप रही थी। भगवान ने कहा देवी त्याग करो भय का, मैं रावण को मार डालूंगा। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, देवताओं के हित के लिए युद्ध में रावण को मैं मार दूंगा, भय का त्याग करो। बोले अभी रावण मरा नहीं हो, कह रहे भय का त्याग करो। बोले भगवान ने कह दिया कि हम रावण को मारेंगे तो समझ लो अब रावण मर गया, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। इस अर्थ में कहा भयम त्यजत, भय का त्याग करो। देवताओं ने कहा महाराज रावण मर जाएगा फिर भी भय दूर नहीं होगा, क्यों? बोले उससे ज्यादा खतरनाक उसके बेटे हैं। तो भगवान ने कहा सपुत्र, उसके पुत्र को भी मार देंगे। बोले महाराज पुत्र नहीं, उसके पौत्र नाती पोता भी बड़े बदमाश हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सब बड़े बड़े दुष्ट निशाचर हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने भयानक हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि लंका में जो सबसे छोटा राक्षस था वो भी 49 हाथ का था,
छोटा मोटा नहीं, लंका में जो सबसे छोटा राक्षस था वो भी 49 हाथ का। अब सोचो, देवताओं ने कहा महाराज इसके पुत्र पौत्र भी बड़े खतरनाक है, तो भगवान ने कहा सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके मंत्रियों को, सबको मैं मार डालूंगा। समंत्र ज्ञाति बांधवम हत्वा कूरम दुराधर्षम, ऐसे दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान ने वचन दिया, पृथ्वी का कांपना बंद नहीं हुआ, देवता तो निश्चिंत हो गए। पृथ्वी का कांपना बंद नहीं हुआ, किसी भयानक व्यक्ति को देखकर, भयानक व्यक्ति को देखकर या किसी भयानक दृश्य को देख करके जब डर जाता है तो बहुत देर तक माता पिता उसे अपने गोद में ले, बाद घटे 2 घंटे के बाद वो सामान्य हो पाता है, उसका भय दूर होता है। किया कि भूदेवी को इतना भय व्याप्त हो गया है कि इनके भय को दूर करने के लिए इनको दीर्घ काल तक मेरे सान्निध्य की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने कहा अवतार लेकर के इन असुरों को मार करके मैं जाऊंगा नहीं। बोले तब, बोले 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च 11,000 वर्ष तक वत्स्यामि मानुषे लोके पृथिव्याम अनुपालयन, मनुष्य लोक में रहकर, मनुष्य के रूप में रहकर के 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी, हम कह के संबोधन किया इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा, इनको संरक्षण दूंगा। और पितरम रोचयामास, श्री दशरथ जी महाराज को पिता बनाने की भगवान ने इच्छा की, और इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। और गए कहाँ भगवान? बोले भगवान उसी यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो गए, और यज्ञ के द्वारा प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुआ, और प्राजापत्य पुरुष के हाथ में एक चरुपात्र था, उसी चरुपात्र में भगवान प्रविष्ट हो गए। उस पात्र को प्राजापत्य पुरुष ने महर्षि वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया, तीनों रानियों ने उस चरु का भक्षण किया, और तीनों रानियां अंतर्वत्नी हुई, तीनों के गर्भ में भगवान आ गए 4 रूपों में। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान आए, यज्ञ संपन्न हो गया। इधर देवता लोग जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो रावण का वध करने के लिए, दुष्ट का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होंगे, तो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए हम सबको चलना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि तुम लोग भी विभिन्न रूप धारण करके यत्र तत्र प्रकट हो जाओ। बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाय, बानर रूप धारण करके पृथ्वी पर जाकर के भगवान की सेवा करो। ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके सभी देवता अपने अपने अंश से बानरों को, रीछों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के अंश से जामवंत जी प्रकट हुए हैं, भगवान शिव के अंश से हनुमान जी प्रकट हुए, सूर्य के अंश से सुग्रीव प्रकट हुए। इस प्रकार से सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से बानर और रीछ को प्रकट किया, भगवान की सेवा के लिए सब तैयार हो गए, यत्र तत्र भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। समावृता राम सहाय हेतु, भगवान राम की सहायता के लिए यत्र तत्र जंगलों में प्रकट होकर के भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए देवता प्रतीक्षा करने लगे। और इधर अयोध्या में धीरे धीरे 12 महीने 11 महीने 24 दिन बीत गए। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम, शिल्या ने देखा तो उस प्रकाश पुंज के मध्य में नील कमल के समान, नील मणि के समान, प्रणव के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान वैकुंठनाथ माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए थे। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। माँ ने भगवान के उस दिव्य रूप को देखा और माँ ने स्तुति की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा कन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा
तोरी तेरी विधि करहूँ अनंता पाया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता ब्रह्मांडलिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर सो पासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चर हरि कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेना परै भव कूपा तेना परै भव विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार लिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा भगवान प्रकट हुए कारण तो बहुत हैं। गोस्वामी जी ने अनेक कारण का निरूपण किया इस कारण से भगवान का अवतार हुआ इस कारण से हुआ लेकिन यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात कह दी कि निज इच्छा निर्मित तनो कोई कारण नहीं है भगवान की इच्छा ही सबसे बड़ा कारण अपनी इच्छा से भगवान प्रकट हुए भगवान परम स्वतंत्र हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार ठाकुर जी प्रकट हुए संवाद हुआ माँ ने स्तुति की भगवान ने कहा कि आपने तप किया था इसीलिए हम पुत्र बन करके आए हैं तो मैया ने कहा पुत्र बनकर के आए हैं लेकिन बाप जैसे दिख रहे हो महाराज बेटा बन के आयो तो बेटा जैसे बन जाओ तो माँ के वचन को सुन करके भगवान बालक हो गए सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा भगवान बालक बन गए और रोने लगे हो और खूब रोए महाराज कितना रोए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना ठान दिया अब जब बहुत रोने लगे तो मैया ने कहा बस बस हो गया इतना ही से काम चल जाएगा ज्यादा मत रो ठाकुर जी ने कहा देख मैया हम जो काम करते हैं वो पूरा करते हैं आधा नहीं करते अब जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम रोते रहे क्यों बोले भगवान परिपूर्ण है इनका कोई काम अपूर्ण और अधूरा नहीं होता